दोस्तों, मैं कुमार अनुज आप सभी का एग्री अनुज के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जो स्टूडेंट इस बार कक्षा 12 का बोर्ड एग्जाम देंगे, जिनका जो है कोर्स जो है साइड यानी कि कृषि विज्ञान से कर रहे हैं, अगर उन लोगों को इस बार बोर्ड देना है, उन लोगों के लिए यह जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, यानी कि जो मॉडल पेपर होता है वो 2023-24 का किस प्रकार का जारी हुआ। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जो साइड होती हैं, जैसे कि पीसीएम से होते हैं, कुछ लोग पीसीबी से होते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होते हैं, उन सभी का मॉडल पेपर अखबारों में छपते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कृषि विज्ञान वगैरह होते हैं, इन सभी का मॉडल पेपर आपको अखबारों में देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो मॉडल पेपर होता है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है जो आपकी संस्थान है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार का मॉडल पेपर आपके लिए जारी हुआ है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और कितना समय मिलेगा, क्या क्या रहेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछते हैं, सर मुझे निश्चित उत्तरीय प्रश्न लिखना है। निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो कि एक नंबर का होता है, उसमें हम कितने शब्दों में लिखें? तो उसमें ज़्यादा शब्दों में आपको नहीं लिखना है, वो यहाँ पर दिया गया है कितने शब्दों में क्या लिखना है, वो सभी आपको यहाँ पर जानकारियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर आपका समय देख सकते हैं 3 घंटा 15 मिनट होता है, पूर्णांक आपका 50 नंबर का होता है, यानी कि जो 50 नंबर का टोटल पेपर होता है। और यहाँ पर आपको देख ली निर्देश कुछ दिए गए हैं, जिसमें कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य होते हैं, प्रश्न एक संख्या बहुविकल्पी तथा प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ये सभी एक एक नंबर के होते हैं। वहीं पर अगर बात करें हम प्रश्न संख्या 7 से 11 तक, जो कि अति उत्तरी होते हैं, इनमें से प्रत्येक का उत्तर 20 शब्दों के अंतर्गत देना होता है, जो कि 2 नंबर का होता है। ये 2 नंबर के होते हैं जिनको तुम्हें लिखने के लिए जो है 20 शब्दों का प्रयोग सिर्फ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12 से 14 तक, लघु उत्तरीय है, इनमें से प्रत्येक का उत्तर 200 शब्दों के अंतर्गत की दिया जाता है, यानी कि इन सभी के जो है आपको 200 शब्दों के अंतर्गत लिखना होगा लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15 से 17 तक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से प्रत्येक का उत्तर 300 शब्दों के अंतर्गत आपको देना होगा। ऐसा कुछ लोग करते हैं कि नंबर तो उसका 2 नंबर का है, यानी कि अति है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन उसमें लिखे जा रहे हैं हमारे 2-3 पेज लिख डाले, तो इसका मतलब कोई नहीं है, उसको आपको इतने पेज के अंदर कंसाइज करना है। अगर आप ज़्यादा लिख देते हैं उससे कोई नंबर आपका नहीं कटेगा, लेकिन क्या मतलब है कि उसको 4 पेज में लिखो, नंबर तुमको 2 ही मिलने हैं, ठीक है। आपका काम वो मान लो 85 शब्दों में हो जाएगा, उतना टाइम आपका बचेगा, ठीक है, इस हिसाब से आपको समझ लेना है। अब वीडियो को शुरू करते हैं एमसीक्यू के से। तो बहुविकल्पी जो प्रश्न है उसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, रफाइनस सटाइवा वैज्ञानिक नाम है, रफाइनस सटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा प्याज की, लौकी का, मूली का, करेला का। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? मूली का। तो आपका जो मूली होती है इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो रफाइनस सटाइवा होता है। वहीं पर अगर हम बात करें प्याज का, तो प्याज का जो वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा, जिसे बोलते हैं एलियम सेपा बोलते हैं इसको। इसमें खाने वाला भाग क्या होता है? तो इसमें खाने वाला भाग आपका क्या होता है? बल्ब होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बल्ब होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सलकंद बोला जाता है, सलकंद, जिसे सलकंद कहा जाता है, इसमें खाने वाला भाग होता है। वहीं पर अगर बात करें लौकी का, तो लौकी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? लेजेनेरिया ससेरिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। करेले की बात करें तो ममोर्डिका स्पेसीज होता जाएगा आपका, ठीक है, या फिर ममोर्डिका चेरेंटिया भी इसे कह सकते हैं, ममोर्डिका चेरेंटिया, ठीक है, ये आपका करेला का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन है बिहार में, थर्ड है पंजाब में, फोर्थ है मध्य प्रदेश में। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में किस जिले में है, तो आप लोग बेहिचक कह सकते हैं कहाँ पर? बनारस में है। बनारस में कहाँ है? बनारस में है, यानी कि काशी में है, ठीक है, काशी भी इसे कहते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं बनारस, इसी को वाराणसी भी बोलते हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ये इसका फुल फॉर्म ऐसे भी पूछा जा सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कुछ और इंस्टीट्यूट है, जैसे कि IIHR
IHR की अगर बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च, ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका बेंगलुरु में है। कहाँ पर? बेंगलुरु में है, ठीक है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए IIHR, जो आपको मैंने यहाँ पर बताया IIHR जो है, अब इसको कैसे पहचान सकते हो? जितनी सब जो भी आप प्रजाति पढ़ते हो, किस्म पढ़ते हो, उनके आगे जब अरका लगा होता है, क्या लगा होता है मेरे भाई? अरका लगा होता है, यानी कि अरका कोमल, अरका सुकोमल, इस प्रकार से जो है लगे होते हैं। जैसे कि मैंगो भी तुम आप लोग याद किए होगे वैरायटी, अरका पुनीत, ठीक है। इस प्रकार से इस सभी में जो अरका शब्द लगा होता है, ये यानी कि इसका रिप्रेजेंट किसको करते हैं कि ये वैरायटी कहाँ से निकली होगी? वो IIHR से निकली होगी। इसी प्रकार से आपको और याद रखना है IARI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना, जितनी भी वैरायटी आप देखते हो जिनके आगे पूसा लगा होता है, पूसा आप लोग अच्छी तरीके से याद किए होंगे, पूसा जाइंट, ठीक है। तो पूसा जाइंट किसकी प्रजाति है? आपकी मेथी की है, ठीक है। सॉरी, पूसा जाइंट जो आपकी है बरसीम की प्रजाति है। तो इस प्रकार से आप याद किए होंगे पूसा जिनके आगे लगा होता है, पूसा रूबी याद किए होंगे। ये सभी क्या है? इसको मतलब होता है कि ये वैरायटी कहाँ से निकाली गई है? तो IARI से निकाली गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बैंगन का उत्पत्ति स्थान है, जिसका आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान, सेकेंड है चीन, थर्ड है भारत, फोर्थ है अफ्रीका, एंड इसमें आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बैंगन का उत्पत्ति स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है उत्पत्ति स्थान किसका है? बैंगन का उत्पत्ति स्थान है। और किसका है ये? अगर और पूछ लिया जाए तो इसमें आपका बेर भी हो जाएगा, ठीक है, जैकफ्रूट भी हो जाएगा, जैकफ्रूट यानी कि कटहल जिसे कहते हैं, ये भी आ जाएगा। फालसा का भी उत्पत्ति स्थान क्या है? आपका भारत ही है। नेक्स्ट है अम्रपाली प्रजाति है, अम्रपाली किसकी प्रजाति है? अब अम्रपाली से तुम ये मत कहने लगना कि बिहार की, तो ये तो अभिनेत्री है, ठीक है। तो अम्रपाली किस्म भी है, ठीक है। तो अम्रपाली क्या है, किसकी किस्म है? तो अम्रपाली किसकी किस्म हो जाएगी आपकी? पहला ऑप्शन है केला, सेकेंड है पपीता, थर्ड है आम, फोर्थ है सेब। इसमें राइट आंसर आपका क्या बनेगा? अम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो आम इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अम्रपाली का क्रास भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो इसका क्रास क्या हो जाएगा? DNA, यानी क्या हो जाएगा? दशहरी इंटू नीलम के क्रास से क्या बनाई गई है? अम्रपाली बनाई गई है। कौन सी अम्रपाली? खाने वाली अम्रपाली प्रजाति आम की, ठीक है। नेक्स्ट है वी कटाव का आमतौर से प्रयोग होने वाला सूत्र है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्यू बराबर 0.0138 एच स्क्वायर रूट एच। सेकेंड है क्यू बराबर क्यू इक्वल टू 0.138 एच स्क्वायर रूट एच। नेक्स्ट है थर्ड है आपका क्यू बराबर 0.138 एच, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यू बराबर 0.0, यहां पर ध्यान रखना 0.0138 एच स्क्वायर रूट एच। ये तो आपके हो गए MCQ। अब चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। निश्चित उत्तरीय प्रश्न के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, विटामिन सी युक्त एक फल का नाम लिखिए जिसमें विटामिन सी पाया जाता हो। तो विटामिन से युक्त फल आपका क्या हो जाएगा? इसके लिए आप लिख सकते हैं आंवला, क्या लिखेंगे? आंवला लिख सकते हैं, ठीक है, आंवला लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? नींबू और ये जो फसलें होती हैं उनमें भी लिख सकते हैं, जैसे कि लाइम, स्वीट ऑरेंज, ये सभी आप इसमें लिख सकते हैं। इससे अच्छा आप लिख सकते हैं अमरूद। आप कहोगे सर जी अमरूद में कहाँ से पाई जाती है? तो बाबू आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो बारबडॉस चेरी में पाई जाती है। बारबडॉस चेरी जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है विटामिन सी, उसके बाद आंवला में पाई जाती है, उसके बाद जो है अमरूद में पाई जाती है। इसमें 4000 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है। वहीं पर आंवले में अगर बात करें तो 600 mg पाई जाती है, अमरूद में जो है आपकी 300 mg पाई जाती है, ठीक है। तो अब हुआ ना, ये थर्ड नंबर जो है अमरूद, इसमें थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है अमंग द मतलब जितने भी फल हैं उन सब में बात की जाए, ठीक है। तो भाई तीसरे नंबर का दावेदार है, ठीक है। नेक्स्ट है गुलाब के कुल का नाम लिखिए। आप लोगों में अब जो है फ्लावर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि फ्लावर की खेती से भी आप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से तीन क्रॉप ऑफ की इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? पहली आपकी हो जाएगी गुलाब, ठीक है, गुलाब।
गुलाब, ठीक है गुलाब, ख्वाब, जाम, क्या क्या है बताओ, इंतजाम क्या क्या है, ठीक है ऐसे याद रखना। गुलाब है आपका, और आपका जो है गेंदा, गेंदा मत भूलना, गेंदा, गुलाब और गुलदावदी, जिसे हम बोलते हैं क्राइजेंथिमम, क्राइजेंथिमम, इसे गुलदावदी बोलते हैं, गुलदावदी, ठीक है गुलदावदी बोलते हैं, लिखते हुए नहीं बनता है, ठीक है आप समझ सकते हैं, छोटी स्क्रीन है, फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो गुलदावदी जो है आपकी, लेकिन आपको समझ में आ जाता होगा, आई होप मेरा यही है कि आप लोग को समझ में आए, आप लिख सकें, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि सर आप नहीं लिखते तब भी हम समझ जाते हैं, हम नोट कर लेते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं अगर लिख पा रहे हैं आप लोग तो उसके लिए भी मैं कोई उपाय ढूंढूंगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से मैं मैटर प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट आपका दो कोल क्रॉप फसलों, सॉरी इसमें आपको नहीं बताया हुआ कि किस कुल का है, तो रोजेसी कुल का है, रोजेसी, रोजेसी कुल कौन सा, वही कुल, सबसे कॉमन कुल कौन सा, एप्पल वाला, यानी कि जो आपका सेब का कुल होता है रोजेसी, वही आपका गुलाब का कुल होता है, ठीक है, वही आपका आड़ू का भी होगा, आप लोगों में आड़ू की फसल भी होगी, ठीक है वो भी आपका रोजेसी में ही आएगा। कोल क्रॉप के दो फसलों के नाम लिखिए, अरे कोल क्रॉप तो आप भूलिएगा ही मत, इस समय आप लोगों के घरों में कोल क्रॉप की सब्जियां डेली बन रही होंगी, कहो कैसे, ऐसे सुनो, आपके यहाँ गोभी बनती है, गोभी, गोभी की सब्जी बनती है, पत्ता गोभी बनना स्टार्ट हो जाएगा अभी, थोड़ा जाड़ा और बढ़े, ठीक है पत्ता गोभी खाए हैं आप लोग, तो ये सभी दोनों बहुत ही कॉमन है जो कि सभी लोगों के घरों में मिलती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसे ब्रोकली, ब्रोकली देख रहे हो, वही जो हरी हरी होती है गोभी जैसी, ठीक है उसी बोलते हैं ब्रोकली। इसके अलावा होते हैं आपका चाइनीज़ कैबेज, और चाइनीज़ कैबेज खाना मत, ठीक है ये तुम आपको आसानी से तीनों आपको याद रखना है, एक तो आपको गोभी, ठीक है पत्ता गोभी और ब्रोकली, ठीक है बाकी और भी होते हैं उसका कोई मतलब है नहीं, आप लोग यहाँ पर देखे भी नहीं होंगे, जिसमें ब्रुसेल स्प्राउट होता है, ठीक है ये सभी चीज़ें होती हैं, इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। नेक्स्ट है आपका लौकी के दो उन्नतशील प्रजातियों के नाम लिखिए, उन्नतशील प्रजातियों के में अगर बात करें तो लिख सकते हैं आप लोग पूसा पर्पल लॉन्ग, ऐसे करके पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, ठीक है नारायण शिवानी, नरेंद्र शिवानी, शिवानी ये जानते हो कितनी लंबी होती है नारायण शिवानी वैरायटी, ये कम से कम 8 से 10 फीट की होती है, ठीक है 8 से 10 फीट की होती है, ना आपको यकीन हो गूगल पे सर्च कर लेना नारायण शिवानी, ठीक है और नारेंद्र रश्मि याद रख सकते हैं, नारेंद्र रश्मि। नेक्स्ट है एकांतरित फलन क्या है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में अल्टरनेट नेट बियरिंग, इसका मतलब होता है कि आपके यहाँ जो आम की फसल होती है मुख्यतः आम की फसल में ही देखने को मिलता है, एक साल तो अच्छी फरेगी लेकिन अगले साल अच्छी नहीं आती है, इसी को बोलते हैं एकांतर फलन, ठीक है इसी को बोलते हैं एकांतर फलन, यानी कि एक साल फसल अच्छी आएगी लेकिन एक साल थोड़ा डाउन रहेगी, ठीक है इसी को बोलते हैं एकांतर फलन, तो इसमें आम में होता है भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अतिउत्तरी प्रश्न, अतिउत्तरी प्रश्नों को लिए मैं आपको नोट करके लाया हूँ, उसे आपको आगे दिखाता हूँ, इसमें बाढ़ की परिभाषा क्या होती है, टमाटर के बीज शोधन के लिए रसायन का नाम लिखिए, मात्रा लिखिए, जल निकास किसे कहते हैं, उपाल वृष्टि किसे कहते हैं, भूकंप की परिभाषा किसे कहते हैं, ठीक है ये सभी आपको यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जल क्रांता के दो उद्देश्य लिखिए, कारण लिखिए, ठीक है तो इसमें आप लिख सकते हैं अधिक वर्षा होना, जल निकास के प्रबंध ना होना। दो नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम लिखिए, जिसमें आप लिख सकते हैं, सॉरी ये मैंने किसका ऐड कर दिया है भाई, ये मैंने इसमें, सॉरी आप लोगों को ये नहीं है, ये मैंने ऐड कर दिया है कक्षा 11 वालों का, लेकिन चलो आपको बता देते हैं यहीं पर, ठीक है अब कक्षा 11 वालों को ऐड हो गया तो मैं क्या करूँ, ठीक है इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाढ़ की परिभाषा लिखिए, बाढ़ की परिभाषा क्या है, जब नॉर्मल से अधिक वाटर आ जाए यानी कि पानी आ जाए उसी को क्या कर लेंगे, बाढ़ बोलेंगे, जनरली भाषा आप लोग बता ही सकते हैं। अब बीज शोधन के लिए थायराम, थायराम ठीक है एक से 1.5 ग्राम यही मात्रा रहती है प्रॉपर एक केजी के लिए ज़्यादातर, ठीक है। जल निकास किसे कहते हैं, जो अधिक वाटर होता है मतलब कि खेत में जब सिंचाई या फिर मान लो बारिश ज़्यादा हो जाती है और जल पानी भर जाता है तो क्या करेंगे,
जनरली क्या करते हैं, अगर तुम्हारा खेत ऊंचा काट दोगे नीचे वाले एकड़े में भर जाएगा सब, यही करते हैं ना, वही जल निकास है, समझ गए। ये तो भी देसी भाषा में समझने के लिए, आप समझने का अगर आपको हम लोग एक साइंटिफिक परिभाषा चाहिए तो ऐसे याद रखना कि जब फील्ड से अधिक वाटर, एक्सेस वाटर, मतलब कि सिंचाई के अतिरिक्त जो भी एक्सेस वाटर होता है, अधिक वाटर होता है, उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं जल निकास, ठीक है। अब जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अगर पानी मान लो तुम्हारे यहाँ बारिश अधिक हो गई है, ठीक है, और तुम्हारे यहाँ बोया है कोई चीज़, ठीक है, कोई फसल लगी हुई है, मान लो धान ही लगा हुआ है, मान लो सभी धान तो जो है जल को आवश्यकता ज़्यादा होती है तो मानते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होता कि वो हमेशा डूबा ही रहे, ठीक है, तो उसको क्या करोगे, जल को निकालना पड़ेगा। तो उसी को, जल को जो निकालने की प्रोसेस है उसी को हम बोलेंगे जल निकास, यानी कि आप उसको कैसे निकालोगे, नाली खोद के निकालो, ठीक है, या फिर आप तुम क्या कर सकते हो, मान लो तुम्हारा कोई गड्ढे टाइप का खेत है, यानी कि कहीं कहीं मिट्टी निकाल ली जाती है ना, जिसे खंता बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे कि आप निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे, इंजन रखोगे या समरसेबल जो है उसमें डाल के पानी बाहर निकालोगे, वो भी एक प्रकार का जल निकास ही हो जाएगा, ठीक है। उपाल वृष्टि किसे कहते हैं, उपाल वृष्टि का क्या मतलब होता है, जब ओले पड़ते हैं उसी को बोलते हैं उपाल वृष्टि। इसी में आपको याद रखना होगा अतिवृष्टि किसे बोलते हैं, अतिवृष्टि क्या होती है, और अनावृष्टि किसे बोलते हैं, जब सूखा पड़ने वाला स्थिति होती है उसको बोलते हैं अनावृष्टि, यानी कि जब पानी ही बिल्कुल ना बरसे, यानी कि बारिश हो ही ना, उसे अनावृष्टि कहेंगे। अतिवृष्टि यानी कि पानी इतना बरसे इतना बरसे, यानी कि अति मचा दे, वो कहते ना बहुत अति मचाए हो तुम लोग, तो ये क्या है, अति मतलब कि तुम डेली वही काम करते हो, मतलब कि परेशान करते रहते हो इस प्रकार से, अति मतलब कि वही काम लगातार कंटिन्यू चल रहा हो, इसे अति मचाना कहते हैं। इसी से आप याद रखना अतिवृष्टि, यानी वृष्टि का मतलब होता है बारिश, मतलब काफ़ी बारिश, लगातार बारिश ही हो रही है जिसके कारण बाढ़ आ जाती है, इसे बोलते हैं अतिवृष्टि। नेक्स्ट है भूकंप की परिभाषा दीजिए, इसको भी आपको, इसका जो मापन वगैरह होता है ये भी आपको याद रखना है, रिक्टर स्केल पर करते हैं, रिक्टर स्केल पर करते हैं, उसके अध्ययन को, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी कहते हैं, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं भूकंप के अध्ययन को, याद रखिएगा भूकंप के अध्ययन को बोलते हैं सिस्मोलॉजी, लेकिन भूकंप की तीव्रता किस पर नापते हैं, रिक्टर स्केल पर मापते हैं, इस प्रकार से आपको इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लघु उत्तरी प्रश्न, तो ये आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आम का काला सिरा रोग, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं, ब्लैक टिप या कोयली रोग कहते हैं, क्या ब्लैक टिप या कोयली रोग भी इसे कहा जाता है, इसके रोकथाम उच्चारण के, और नेक्स्ट आपका अम्लीय मृदा कैसे कहते हैं, अम्लीय मृदा बनने के कारण और निवारण क्या है, इसके ऊपर भी आपको लिखना होगा। जल क्रांता के भूमिका एवं पौधे पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है, अब आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ जिसकी सूचना आप लोगों को दे देता हूँ। अब आप लोगों को डेली मेरा यही रहेगा कि डेली मैं आप लोगों को जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, यानी कि 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सभी 6 सब्जेक्टों के 5-5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 5-5 क्वेश्चन डेली मैं कराऊँगा, यानी कि एक वीडियो में सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं डेली प्रैक्टिस कराऊँ, ताकि आप लोगों के जो MCQ है, निश्चित उत्तरी प्रश्न है और अतिलिखित प्रश्न है, वो आपके उस पर पकड़ बन पाए, ठीक है। इसलिए आप लोगों का ये जल्दी शुरू होने वाला है, तो अब आप लोगों को डेली सुबह मिल जाएंगी, डेली आप लोगों को सुबह जो है लगभग आपको सुबह 7 पर लगभग 7 बजे आपको ये एक वीडियो डेली आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जल्दी आप लोगों को ये कैसी सूचना लगी, आप लोग क्या आ जाते हैं इसमें, और क्या मैं चेंज कर सकता हूँ जो आप लोगों के लिए बेहतर हो। मैंने ये सोचा है कि आप लोगों के लिए जो भी है डेली मैं आप लोगों को सभी 6 सब्जेक्ट, यानी कि 30 क्वेश्चन डेली, 30 क्वेश्चन डेली आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, और उसके बाद आप स्कूल जाएंगे पूरी एनर्जी के साथ, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस कराने के मेरा ये उद्देश्य है, ताकि आप लोगों के जितने भी MCQ वगैरह हों ये सब गलत नहीं होने चाहिए। जब आप लोगों के MCQ गलत नहीं होंगे, तब आप थ्योरी में कुछ कम भी लिखोगे तब भी आपका चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, निम्न शीर्षक के अंतर्गत आम व सेब की खेती का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। इसमें कैसे आपको वर्णन करना है तुलनात्मक, जैसे कि यहाँ पर एक साइड में आम बना लेना है, एक तरफ जो है आपको सेब बना लेना है, उसके बाद एक हेडिंग इधर डालनी है, मतलब एक और कॉलम बना लेना है जिसे अब ए कह सकते हो, या फिर हेडिंग कुछ भी कह सकते हो, शीर्षक नाम दे सकते हो। उन्नतशील प्रजाति, तो उधर भी प्रजाति लिखना है, इधर भी प्रजाति लिखना है, यानी कि आम की यहाँ पर प्रजाति लिख देना है, जैसे कि आम की अमरपाली लिख सकते हो, रत्ना लिख सकते हो, अल्फांसो लिख सकते हो, बॉम्बे ग्रीन लिख सकते हो, तोतापरी हो जाएगी आपकी, अर्का पुनीत हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हो।
यहीं पर अगर बात करें सेब की, सेब में आपके रेड डेलिशियस है, गोल्डन डेलिशियस है, अम्बरी है, इस पर गोल्ड है, ठीक है, ये सभी आपको लिखना होगा, ठीक है, अल्लीसान बरी है, ये सभी काफ़ी वैरायटियां हैं इसकी, वो आपको लिखनी होगी। उसके बाद खाद उर्वरक बीज, इसमें कितना खाद डालते हैं, इसमें भी क्या डालते हैं आपको, नेक्स्ट है उपज हेक्टेयर में क्या करना होगा, ये सभी आपको इसमें लिखना होगा। या फिर अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते हो ऊपर वाला, तो इसके जगह पर आप ये कर सकते हो, सिंचाई की परिभाषा दीजिए एवं सिंचाई और जल निकास के जो प्रमाण होते हैं उस पर व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है फूल गोभी और टमाटर की खेती का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए शिशु की, यानी बीज दर लिखना है, रोपण की दूरी लिखना है, खाद एवं उर्वरक की मात्रा लिखना है, उपज। अब उपज ये पर हेक्टेयर ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना होगा। कैसे, देखो अब मान लो कि आपसे पूछा गया कि उपज, अब उपज मान लो कि एक आइडिया होना चाहिए मोटा मोटा कि ये कितने कुंटल तक हो जाएगा, यानी कि अगर तुमसे मान लो पूछा गया है टमाटर उसकी सरसों की उपज पूछा गया है, अब तुम सरसों की उपज लिख रहे हो 300 कुंटल, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, 300 कुंटल उपज वो भी सरसों की। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाता आलू की उपज, तब तुम लिख रहे हो 50 कुंटल, ठीक है, तो अंतर आया ना। अब देखो अंतर यही थोड़ा जो है आपको समझना है कितना गैप है इसमें, कि मतलब कि ज़्यादा बड़ा बीज होता है उसका, ठीक है, या छोटा होता है, कितना वजन होता है, ये थोड़ा आइडिया आप लोगों को, आप लोग तो गांव से हैं इतना आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है, और होगा भी मुझे ऐसा मुझे लगता है कि गांव के बच्चे इस सब चीज़ों में बहुत आगे होते हैं, उनको इतना अनुभव रहता है, वो कर ले देंगे, ठीक है, तो ऐसी प्रकार से आपको थोड़ा आइडिया लगा लेना है, ठीक है, कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर गुलदावदी ही मैंने बताया था आपको, गुलदावदी है खेती का या फिर विस्तार वर्णन कीजिए, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा बनाने के लिए, मृदा बनने के कारण एवं उसके सुधारों पर, देखिए एक अम्लीय और एक क्षारीय, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है या फिर टिप्पणी कीजिए अतिवृष्टि और पत्ता गोभी में खरपतवार की रोकथाम के लिए क्या करेंगे, ये आपका टोटल पेपर मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। बाकी अगर आप लोगों को पेपर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों को कमेंट करना है नीचे और बताना है पेपर का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा वीडियो का पार्ट अच्छा लगा है, ठीक है, और आप लोगों का क्या सुझाव है, मैं क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, वीडियो आप लोगों को देने के लिए आप लोग बताइएगा कैसी तैयारी आप लोगों की चल रही है।